महानगर का क्षेत्र बना, चौसर का मैदान, हाथ कमल साइकिल घड़ी, इंजन तीर कमान, किसका पलड़ा भारी है मतदाता के हाथ, कौन किस से दूर हुआ, कौन है किसके साथ। मैं समय हूं और इस अंबा नगरी को मैं 38 वर्ष से देख रहा हूं, कौन किससे दूर हुआ एवं कौन है किसके साथ, बस यही तो प्रश्न चिन्ह है जो मुझ जैसे समय को भी विचार मंथन पर विवश कर रहा है। इसलिए मैं भी विवश हूं और इस प्रश्न चिन्ह को सौंपता हूं इंद्रपुरी के संजय के हाथ, क्योंकि मैं तो बस समय हूं। महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम संजय। क्या बात है महाराज, आज जरा बदबू आ रही आपके पास, उस दिन तो मेरे पास से आ रही थी, आज आपके पास आ रही। आप भी क्या फुकट में मिल रही है अपने, वो तो नहीं है? अरे नहीं संजय, आजकल तुम तो जानते हो कि चुनावी माहौल गर्म है। है महाराज, बिल्कुल है, बिल्कुल पक्की बात है। और हमारे 100 पुत्र हाँ अलग अलग क्षेत्र से सबके सब खड़े हैं क्या? अरे यार सुबह सुबह एक आधा भी बाकी नहीं रहा? नहीं संजय, हमें सुबह सुबह वह प्रचार रैलियों में घुमाते हैं। महाराज आपको क्या लग रहा है, सबके सब चुन के आएंगे क्या? अरे नहीं संजय, उसमें वो दुशासन साड़ी खींचा द्रौपदी की, वो भी चुन के आएगा? जनता बहुत भोली है तो भी खड़ा हो गया? हाँ ठीक है महाराज चल। अरे जनता तो तुम जानते हो भोली है, उन्हें सिर्फ पैसा दो और वो किसी को भी वोटिंग कर दे। महाराज सब नहीं लेते पैसे मगर, लेकिन आज तो दाम ही चलता है संजय। हाँ ठीक, खैर छोड़ो। हाँ हमें ये बताओ जी कि गडकरी के क्या हाल है? गडकरी जी वो क्या हो गया महाराज, वो हकीकत में ऐसा हुआ, खान पान पर जिसका काबू नहीं रहता महाराज, वो आदमी यूं हो जाता है। अब थोड़ा सा ऐसा ही मामला अपने साहब के साथ में, अब होता यह है कि उड़न खटोले में जब बैठने को पहला पैर धरते हैं तो उड़न खटोला एक तरफ हो जाता है, जिस मंच पे चढ़ जाते हैं महाराज वो मंच ही टूट के गिर जाता है, ऐसी हालत हो रही है संजय। हाँ हाँ एक बात बहुत खल रही है। बताइए। एक मतदाता को मतदान नहीं करने दिया हाँ तो उसने अपना सर फोड़ लिया, क्यों संजय? महाराज अन्नदाता शासक पक्ष के विरुद्ध में जाने पर शासक पक्ष क्या सहन कर सकता है ऐसे आदमी को? नहीं कर सकता। तो फिर हमें ये बताओ संजय जी, रेवस्कर को बीमार हालत में पद से क्यों हटा दिया? महाराज पद से नहीं हटाया, निलंबित किया है। हाँ वही, तो घर में टंगड़ी तुड़ा के बैठे हुए है वो, तो उनको निलंबित किया। अब बात ऐसी है महाराज कि सूर्य वंश के सैनिकों से जो खुजाएगा उसको कीमत तो चुकाना पड़ेगा ना पुत्र संजय। प्रभु जनता के प्रिय दरोगा जिन्ना इन पर उंगलियां उठ रही है,
कि वो कुछ सत्ताधारियों की मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। बराबर है, गलत क्या है महाराज? अरे आपके भरी सभा में महाराज सबके देखते भीष्म पितामह बैठे थे, जहां वहां उस दरबार में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ भरी सभा में, और भीष्म पितामह चुप रहे, सारा दरबार चुप रहा। इन्होंने सबने क्या किया उस समय? महाराज ये तो उसूल है, नमक का कर्ज चुकाना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। और महाराज आदरणीय दरोगा जिंदान ये तो ताज को वफादार है, जो ताज पे बैठेगा उसको वफादारी निभाना पड़ेगा। पुत्र संजय जी महाराज, आजकल बाजार में लाल हरे पीले कूपन चल रहे हैं। पुत्र संजय ये कूपन क्या होते हैं? महाराज ये बताओ, आपको ये सब बातें बोल कौन था? कहां से मालूम पड़ जाता है आपको? दिखता तो नहीं आपको? अरे जासूस? अरे हमारी आंखें नहीं है पर कानों पर चर्चाएं तो आती ही है। बराबर बराबर का ठीक महाराज, सुनिए तो, आपने पूछा तो बता देता हूं। पीले कूपन याने, अच्छा पहले कौन चलाता है ये बता दो महाराज। ये देशभक्त लोग जो सेवा करने को खड़े हैं ना, तो उनके जो प्रिय मित्र है दिन रात काम करते बिचारे के लिए, हाँ तो उनको खाना वाना तो खिलाना पड़ता है ना, तो कुछ देशभक्तों ने होटल वालों से अनुबंधन कर लिया है और उनको कह दिया कि भाई पैसे देते ये करते वो करते, फिजूल में अपन अटक जाएंगे आचार संहिता में, तो एक काम करो अपन कूपन चला लेते। तो छदम वेश के कूपन इन्होंने बना लिए, जिसमें एक कूपन का कलर है पीला। जिसको पीला कूपन दिया जाता है वो आदमी को झुनका भाकर, सादा खाना, संगठर्रा दे दिया जाता। उसी प्रकार जिसे हरा कूपन दिया जाता है महाराज, हरे कूपन वाले को सम्मिश्र भोजन के संग ठर्रा। और महाराज जिस व्यक्ति के पास में लाल कूपन होता है वो बोलो महाराज वो किचन तंदूर और इंग्लिश का हकदार होता है। पुत्र संजय जी महाराज, तुम्हारे भी कुछ लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं हमें। महाराज मेरी गलती नहीं है, ये चुनाव का माहौल ऐसा है कि अच्छे अच्छे बेईमान हो जाते हैं, पक्ष छोड़ देते हैं, इधर का पंछी उड़ के उधर चले जाता है, वहां का कबूतर उड़ के यहाँ आ जाता है, हर एक को एक ही फिकर है, मलाकाय भेजते संजय। हाँ ऐसे में अपनी जासूसी यंत्रणा क्या कार्य कर रही है? महाराज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, अलंपना बड़ा अच्छा प्रश्न किया, समयचित। हकीकत ऐसी है कि अपने जासूस इस बार कम पड़ गए, सो कुछ पश्चिम महाराष्ट्र से, कुछ उत्तर भारत से, विशेष तौर पे कुछ जासूस बुलाए गए और आधुनिक यंत्र मोबाइल उनके पास में दिए कैमरे वाले। इसमें क्या होता है महाराज, ये जितने जासूस हैं ना ये इधर उधर उधर पब्लिक में खड़े रहते हैं, और कौन खिलाफत कर रहा है शासक पक्ष की इसकी बात सुनते हैं, और ताबड़तोब मोबाइल पे अपने आका को जो उधर कहीं तो भी बैठे बोलते हैं, और साथ ही साथ उसका फोटो भी पहुंचा देते हैं। हाँ ऐसा ऐसा बड़बड़ करूं डायला। पुत्र संजय महाराज ये रेव पार्टी क्या होती है? हमने सुना है ये बहुत अच्छी होती है, क्या ये रेव पार्टी हमारे दरबार में नहीं हो सकती संजय? हे भगवान महाराज, वो द्रौपदी वस्त्र हरण जो हुआ था उसे रेव पार्टी कहा जाता है, और आपके दरबार में हो चुका है। अब अगर आप कराना चाहते हैं सांगू का गांधारीला सांगू, अच्छा सांगू डाले महाराज, बोलो बोलो सांगू का। अरे नहीं संजय, अरे कुछ नहीं, ना ना सांग तो संजय क्षमा करो हमें, अरे थोड़ा धीरे बोलो संजय। अच्छा गांधारी सुन लेगी,
खैर, जाने दो संजय, जाने दो। हमें ये बताओ कि रवीना टंडन कौन है संजय? ए भगवान, आप ये बुलाओ। महाराज महाराज महाराज, मैं सारा पता बताता, कहाँ रहती है वो बताता, सब बताता। खाली ये सोच लो कि एक बार अपने यहां कुरुक्षेत्र का महाभारत अभी चालू है, और अगर रवीना टंडन की फिक्र करेंगे तो आपके घर में, आपके रनवास में कुरुक्षेत्र का मैदान बन के महाभारत छिड़ जाएगा। सांगू का गांधारीला सांगू? संजय नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। जाओ दे, हाँ। सिर्फ एक कार्य करो हमारा। बोलो। रवीना को जाकर हमारा नमस्कार दे देना। बोल दूंगा महाराज, बोल दूंगा, जरूर बोल दूंगा। पुत्र संजय। महाराज, अन्नदाता बोलिए। ये हगिन डे क्या होता है संजय? ये क्या कर रहे? अरे हमारा अर्थ है, हाँ? कि इस दिन क्या सब लोग सामूहिक रूप से जाते हैं? क्या रोज नहीं जाते क्या? इंडिविजुअल तो सामूहिक जाना पड़ता। अरे महाराज, हगिंग डे का मतलब कुछ और है, ये विदेशी है बात है। सुनिए क्या होता है, ये फरवरी माह जो आता है ना, तो अंग्रेज लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए कुछ डे बनाए, वैलेंटाइन डे। तो उसका ये पहला चरण है। बोलिए, सुनाओ आपको। हाँ हाँ, दिनांक महाराज, हाँ, 7 फरवरी को पहला आता है रोज डे, जिस दिन गुलाब का फूल अपनी महबूबा को, प्रियजन व्यक्ति को दिया जाता है। और उसके बाद 8वां दिन, ये तुमको नहीं समझेगा महाराज, तुमने गांधारी के साथ ऐसा नहीं किया ना, इसलिए तुमको नहीं समझेगा, तुम डायरेक्ट वाले। 8 तारीख को प्रपोज डे, म्हणजे आई लव यू, नहीं समझेगा महाराज तुमको, हा? ऐसा। अरे हमें समझने की जरूरत है संजय। समझा? ये उम्र में? हाँ संजय। महाराज कब्र में पैर लटक रहा। ओ क्षमा करे महाराज। और महाराज, दिनांक 9 फरवरी को चॉकलेट डे, एक प्रकार की मिठाई होती है महाराज, है ना, अपने यानी वो विदेशियों की मिठाई है। और उसके बाद में आता है टेडी बियर डे, अपने बच्चे जो खेलते थे पहले शेरों से खेलते थे, अब के जो बच्चे हैं, अब के युवान है, ये वो कपड़े का एक पुतली 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 कठपुतली जैसी कठपुतली बनाते हैं और उससे खेलते हैं, उसका नाम दिया उसने टेडी बियर डे। और महाराज 11 तारीख को आता है प्रॉमिस डे, मंजे भी तुला छोड़ना नहीं जन्म भर निभान। और 12 तारीख को आता है हगिंग डे। हगिंग डे फिर वही, आगे सुनिए। और महाराज 13 तारीख को किसिंग डे, किसिंग डे, किसिंग डे, हाँ वो जान दो आप, और सीखेंगे ना बेकार। 14 तारीख को आता है महाराज वैलेंटाइन डे। संजय, हाँ, इस संस्कृति में, हाँ, और एक डे जोड़ लो। अब क्या बाकी रह गया? प्रपोज किया, सब हो गया, सब हो गया, आता ये कचरा थे इकड़े लग्न अनि तिकड़े। अरे संजय, बात तो पूरी कर लेने दो। महाराज बोलो ना। 15 तारीख को डे जोड़ लो, हिंदू संस्कृति का फिनिश डे। बिल्कुल फिनिश डे, सही बात है, अपने हिंदुस्तानी लोगों को फिटाने के लिए अंग्रेजों ने लाया हुआ ये डे है, और हमारे नौजवान दीवाने हो चुके इसके। पुत्र संजय, महाराज हमें ये बताओ जरा, हाँ, कि जग्गू और सुनील के क्या हाल है? महाराज जो तो जरा दूरबीन से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पीछे छुपे हुए हैं। पकड़ा पकड़ा महाराज, पकड़ा। अरे महाराज, ये दोनों के दोनों एक ही पात्र पकड़े हुए जंगल को जा रहे हैं, दोनों एक साथ में। आज हगिंग डे है क्या संजय? अरे नहीं महाराज। अरे ये क्या कह रहे हो संजय? क्यों महाराज, सही बोल रहा है, जो देखा वो बोला आपको, बराबर तो देखा। अरे दोनों है वही है। अरे तुम्हारी दिव्य दृष्टि कहीं धोखा तो नहीं? नहीं महाराज, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही है, और दोनों जा रहे हैं, एक ही डब्बा है।
अरे मगर संजय, ये तो जन्म जन्म के बैरी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा पूछ रहे क्या? हकीकत ऐसी है महाराज कि इनके साम्राज्य में ये भले जन्म भर के बैरी है, आपस में नहीं पटती थी इनकी, मगर इनके साम्राज्य में भगदड़ मच गई। इनका साम्राज्य के गढ़ को डायनामाइट लगा दिया एक बाहर के आगे एक व्यक्ति ने, तो आप उससे बचना ज्यादा जरूरी है महाराज। इसलिए बाहर के दुश्मन को पहले निपटा जाए, आप इसकी ये मन मुटाव तो फिर मिटा लेंगे। चलता है ऐसा, ये राजनीति है ना, सब ऐसी चलता। अरे संजय हमें ये बताओ। जी महाराज। ये दरोगा जिंदान जी, ये तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को क्यों पकड़ रहे हैं? महाराज ये नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। तीखी बात है, हमने पहले ही आपको बताया कि ताज को वफादार है। संजय जी महाराज, हमने सुना है कि जो मत मांगने वाले हैं वो बड़े नम्र होके घूम रहे हैं। बराबर है ना महाराज, बिल्कुल सही है। अभी अकड़ थोड़ी चलती कि गाड़ी में बैठ गए, वो काले कांच लगा लिए, कोई नमस्ते भी कर रहा है तो इधर देख रहा है, ये वो टाइम नहीं है महाराज। अब तो टाइम है कि वो देखे ना देखे, जनता देखे ना देखे, वो आवाज देख के बोलता, भाव गजू भाव नमस्कार, रामदास भाव नमस्कार, काकू राम राम पाए लागी। अभी ऐसा चल, उसको पूछा मैंने ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उसने बोला बेटा बात ऐसी है भैया, गाना बोलू जरा? हाँ संजय। बड़े प्रेम से मिलना सबसे इस जग में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। और इसके बाद में धीरे से क्या बोलते मालूम है मारे? धीरे से मन में मन बोलते, थाम एकदा निवडून आला मग दावतो तुला। मगर संजय। हाँ महाराज। एक बात बताए हम? बताइए बताइए महाराज, आप मुझे बताएंगे, बताओ बताओ कि पब्लिक के मन में भी क्या चल रहा है? हाँ बताओ महाराज, बिल्कुल बताओ, आपको कैसे मालूम? अरे चर्चा है सुनता। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। पब्लिक के मन में चल रहा है क्या? चल रहा है महाराज, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है अरे अंदर क्या है, अरे बाहर क्या है, अरे अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। कृपा धृतराष्ट्र जी, प्रणाम महाराज प्रणाम। संजय जी महाराज, कल हमने तुम्हें छोड़ा था। हाँ छोड़ा था महाराज, मैं जरा आज ढूस लिया था। तुम हमें छोड़ दो संजय। ठहरो महाराज, अरे किधर पे महाराज? एक का मेरे को बड़ी प्यास लगती, हाँ एक पी लेता फिर चलता आपके साथ। पी लो ना महाराज। हाँ पी लो, बहुत प्यास लगी। हाँ फुकट्टी भेटली। उफ, ये कैसी जानलेवा दुर्गंध है संजय। महाराज ये मैं आपको पहले भी बताया था कि, अरे महाराज इधर देख रहे हैं? अरे हम देख नहीं सकते संजय। हाँ यानी मेरे तरफ तो हो जाओ ना, मैं जब बोल रहा है तो कान कहाँ सुनिए। महाराज बात यह है कि जहां जा रहे हैं आजकल जनता को ये और ये बिल्कुल दिए जा रहे हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, तुम्हारे भेटते के नहीं? नहीं बेटा, घून गया घून गया, सोलह नंतर 16 तारीख के बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा, लटक जाऊंगे। चलो महाराज ढकेल देता तुम्हारे को। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा।